तो दोस्तों एपोथियोसिस के क्रिएटर्स तो कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में निकले। सीजन वन को खत्म हुए कि अभी एक महीना भी नहीं हुआ था कि उन्होंने एक छोटा सा ट्रेलर को रिलीज कर दिया ताकि ऑडियंस को बता दे कि हमारे सीजन टू लेके है, तुम लोग तैयार हो जाओ। लेकिन उस दौरान उन्होंने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की थी कि इसकी रिलीज डेट कब देखने को मिलने वाली है। लेकिन कुछ दिनों पहले उसका सेकंड ट्रेलर रिलीज हुआ, जिस दौरान उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि 8 तारीख को सभी के सभी लोग तैयार हो जाओ, हम सीजन टू उसी दिन से रिलीज करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर सीजन टू की स्टार्टिंग कैसे होने वाली है और साथ ही साथ क्या हमें नए कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं या फिर पुराने कैरेक्टर्स। डिस्क्लेमर, ये वीडियो बस इन्फॉर्मेशन के लिए है, मैंने अभी तक पूरी नॉवल को पढ़ा नहीं है, तो मुझे जो छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन मिले मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीजन वन के लास्ट के एपिसोड्स के एंड में हमें देखने को मिलता है कि लू जंग इमॉर्टल मैशन को अचीव कर लेता है, लेकिन उसी दौरान क्यू जी अपना एक पावरफुल क्लोन को क्रिएट करता है ताकि वो लू जंग को उठा के लेके आ सके। और क्यू जी का वो क्लोन बिल्कुल वैसा ही करता है, लेकिन उसी दौरान लू जंग वहां पर पहुंच जाता है और उसके साथ काफी देर तक लड़ाई करने लगता है और इन दोनों की लड़ाई तकरीबन 2 एपिसोड तक चलती है। एट द लास्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि लू जंग अभी भी उसे हराने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज को फेस कर रहा है, तो वो क्या करता है कि इमॉर्टल मैशन से कई सारे पावर्स को एज अ लोन लेता है और फिर क्यूजी के उस क्लोन को हरा देता है। तो ये थी सीजन वन की कहानी। तो चलिए जानते हैं कि सीजन टू की स्टार्टिंग कैसे होगी। तो सीजन टू की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हो सकती है कि जहां पर लू जंग अपनी बहन के साथ और अपने दो दोस्तों के साथ हेवनली डीमन सेक्ट से काफी आसानी से भाग के निकल जाएगा और साथ ही साथ वहां से एक उसे हेवनली डीमन स्वॉर्ड भी मिलती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी और उसके रास्ते में जो भी चीजें आ रही थी वो उसको काफी आसानी से काट के हटा दे रहा था। और इन फ्यूचर लुओ तियान शिंग जो कि उसके चाचा जान थे सीजन के स्टार्टिंग में जो हमें देखने को मिला था वो फिर से उसे मिलता है और लू जंग के साथ उसकी लड़ाई फिर से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन लू जंग फिर से इसको हराने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज को फेस करता है और उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। फिर अपने खोपड़ी का इस्तेमाल करके काफी गहरी चोटी दे देता अपने चाचा को, जिस वजह से वो कोमा में चले जाते हैं और फिर लू जंग वहां काफी आसानी से निकल जाता है। उसके बाद लू जंग जंगलों में चला जाता है और अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू कर लेता है और जैसे ही वो कल्टीवेट कर रहा था उसी दौरान उसे एक बूढ़े आदमी मिलते हैं जो कि इन फ्यूचर चल के उसके मास्टर बनते हैं और वो बूढ़ा आदमी उसे कई सारे टेक्निक सिखाता है, साथ ही साथ उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे जो एक पूर्वज थे वो पहले आदमी थे जिन्होंने कल्टीवेशन के पीक को अचीव किया और पहले गॉड बने, तो तुम्हारी रगों में तो उन्हीं का खून दौड़ रहा है और मुझे तुम्हारे अंदर वो सभी के सभी एबिलिटीज दिख रही है जो कि तुम्हारे उस पूर्वज के अंदर थी। एपोथियोसिस बनने के रास्ते में तुम्हें कई सारी परीक्षाओं को पार करना पड़ेगा, इसी दौरान तुम्हारे कई एनिमीज भी बन सकते हैं, लेकिन तुम्हें डट के इस सभी का सामना करना है और अपने गोल को अचीव करना है। तो सीजन टू में कहानी हमें कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि वो कैरेक्टर्स कौन है जो कि हमें इन फ्यूचर देखने को मिलने वाले हैं। मैंने इनके बारे में पता करने का काफी ज्यादा ट्राई किया लेकिन कुछ भी नहीं पता चल जाएगा, तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन है। उनमें से पहला आता हमारा जी लांकी, लुओ फिंग, शू लिंग यू जिसको सभी कोई जानता है, श्याओ श्याओ, जैंग बुजियान, आफू, लुओ चेंग युन, लुओ बैंक युन, क्यूशी, हुआ तानविंग और जीलांग। जीलांग जहां तक मुझे पता वो तो मर चुका है, लेकिन सीजन टू में उसको कैसे कंटिन्यू कराएंगे मुझे नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहा था। अगर आप लोगों को और भी ऐसे नई नई इन्फॉर्मेशन जानना है अलग अलग दोनों सीरीज को लेकर, तो आप लोगों को पता क्या करना है, नीचे वाला लाल बटन